सुपर बासमोल 33 और केस काला जो ये तेल लेके आया हूं। जिन लोगों ने मेरे से सवाल किया था कि हेड को बालों को कैसे ब्लैक करें, तो यानी ब्लैक हेयर कैसे करें और हमारे बाल सफेद हो रहे हैं, तो इसका क्या जो ट्रीटमेंट है, उनके लिए तेल लेके आया हूं। बहुत कारगर तेल होता है, तो ये मैंने अपने लिए भी मंगाया है क्योंकि मैंने अपने मेरे बाल भी कुछ सफेद हो रहे थे लेकिन देखने में काले लग रहे होंगे, तो ये तेल का मैं यूज करता हूँ और अभी मैं एक बार यूज कर भी चुका हूँ इसको। तो दोस्तों इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और 101% ये बालों को ब्लैक करता है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं और इसके फायदे होते हैं वो दोनों बता दूंगा कि इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं जो कि हर किसी को नहीं, किसी किसी को हो सकते हैं। तो चलो दोस्तों इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों पहले बता दूं, ओलिव ऑयल होता है, इस पे लिखा होता है हेयर कलर, यानी हेयर को कलर करता है। यूज नेचुरल ऑक्सीजन, ये किस किस से बना था, आलमंड और वॉलनट से और ओलिव ऑयल, ठीक है। तो इन चीजों से मिलकर बना होता है, तो मैं इसको खोलता हूं और एक कुछ इस तरीके का ये एक तेल निकलता है। इसको एक खिलाने के बाद ये इस तरीके से हमारे लिए शरीर पे लगाया जाता है, ठीक है। गर्मी कुछ ज्यादा हो रही है तो इसको ये एक तरीके का ये होता है। इसका खोलने के बाद इसका पैक ऐसा निकलता है और इसको मैं आपको बता दूं, ये कुछ लगाने का भी इसका तरीका होता है जो कि ग्लव्स पहन के लगाया जाता है और ये बहुत ज्यादा जो है बेनिफिट बालों के लिए देता है, लेकिन ज्यादा यूज करने से नुकसानदायक भी बालों को हो सकता है। ये इसके अंदर निकलता है, इस पे सारा फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मेशन कैसे बना है, कैसे लगाना है। इसमें लिखा है कि क्योंकि ये एक ऑयल बेस्ड है, ये सही तरीका बालों को रंगने का है। इसमें तीन तेल मिलाए गए हैं, एक प्राकृतिक गुण आश्चर्यजनक है क्योंकि ये कुदरती ऑक्सीजन बालों के रंगों से बना है। तो इसमें लिखा है सुरक्षित दस्ताने पहने, बोतल को हिलाएं, केस काले आवश्यक मात्रा ग्लास प्लास्टिक की कटोरी या दस्ताने वाले हाथ में ले लें, अब इससे बालों को इन हिस्सों पर लगाएं। तो इसी तरीके से लगा, इस पर सारा कुछ भी लिखा है और इस पर लिखा है इन्हें बालों पे कम से कम 2 घंटे लगा रहने दें और ताकि पूरी तरह रंग चढ़ सके। उसके बाद लिखा है रिशिंग साबुन या शैम्पू पानी बालों को तब तक धोएं जब तक मतलब पानी कलर देता है, यानी कि हमारे सिर से। इसको एक तरफ रख लीजिए, सारी भाषा में इसमें लिखा हुआ है। मैं इसमें बहुत कुछ आपको बताने वाला हूँ, इसके बारे में सारा कुछ बताऊंगा, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक, दोस्तों के लिए शेयर भी करना। जिन लोगों के बाल यानी ब्लैक नेचुरल करना है, ये कोई एक तरीके की डाई ही समझ लो लेकिन ये तेल है, ठीक है। मैं भी आपको खोल के भी और लगा के भी दिखाऊंगा। अब आप पे इस पे लिखा है बेस्ट हेयर ऑयल, तो इस पे लिखा है इसका साइड इफेक्ट, इस पे लिखा है डी नाइफलिन डाई अमीन बाली मिश्रण से कुछ मामलों में त्वचा में जलन हो सकती है, गंभीर जलन हो सकती है, इसलिए हमेशा एक प्राकृतिक परीक्षण किया जाना चाहिए। ये परीक्षण करने के लिए कोहनी पर या कान के मतलब पीछे हिस्से पर लगा के आप देख सकते हैं और कुछ देर बाद अगर कोई जलन या कोई इचिंग वगैरह कुछ भी होती है तो, या सूजन या रेडनेस होती है तो इसका साइड इफेक्ट होता है। अगर इसका ये कुछ भी नहीं होता है तो समझ लीजिए ठीक है, ठीक है। ये इसका एक लगाने का पहले परीक्षण करना चाहिए क्योंकि किसी किसी को ये नुकसानदायक भी होता है, आंखों पर और पलकों के आसपास में ना लगाएं वरना ये नुकसानदायक आंखों के लिए ब्लाइंडनेस भी कर सकता है। और ये बहुत ज्यादा इसके फायदे होते हैं और नुकसान भी होते हैं, इसे ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन रिकमेंडेड नहीं करूंगा कि आप ज्यादा यूज करें, लेकिन हाँ यूज आप कर सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन मैं एक पाउच लेके आया हूँ, जब मेरे बाल ज्यादा ही सफेद होने लगते हैं या कोई दिक्कत होती है तब इसका यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा नेचुरल बालों को ब्लैक कर देता है और भी इसमें सारा कुछ दिखा हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये होता किस टाइप का है, ठीक है। तो ये करने का तरीका दिखा रहा हूँ, मैं इसे छेद करता हूँ क्योंकि ये नया है, तो इसमें सील ये कुछ इस टाइप का होता है, दिखा देता हूँ मैं आपको, ये इस टाइप का होता है, आपको ध्यान पूर्वक देखिएगा तो आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा, ये इस टाइप का होता है कुछ ये, ठीक है। ये क्रीम टाइप का होता है और इसको कुछ इस तरीके से वैसे हिला के निकालना चाहिए और इसको इस तरीके से बालों पे लगा लेते हैं, ठीक है। और फिर एक इसको कंघा कर लेते हैं, ठीक है, कंघा। तो इसको कंघा करने के बाद और इसको पैक कर देते हैं, इसको लगाते हैं और फिर हाथों को साबुन से धुल लेते हैं, वरना हाथों में इचिंग वगैरह भी कर सकता है, खुजली या जलन भी हो सकती है। तो ये तेल बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, इसको जरूर लगाना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता देने वाला तेल है। तो दोस्तों इस तेल को जरूर खरीद लेना, 2 तरीके के पैकेट आते हैं इसके, एक 3200 रुपये में 50 ml और ये 100 ml का है, शायद ये 58 रुपये का है, लेकिन मैंने 55 रुपये दिए, वैसे 60 रुपये का मार्केट में मिलता है, तो बहुत सस्ता तेल है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। इसको जरूर अप्लाई करें और दोस्तों अगर आप लोगों के बाल सफ़ेद हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा,
कि आप भी बालों से कोई भी समस्या आपको बालों की है तो मेरे को बताइएगा, मैं आपको नया प्रोडक्ट ला के दिखाऊंगा। और दोस्तों ये बहुत ज़्यादा कारगर तेल है, इसको खरीदिएगा। क्या दोस्तों आप लोगों के बारे में कोई दिक्कत थी तो मेरे को जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते एक नए वीडियो के साथ में, मेरी और भी वीडियो ऐसी देख सकते हो हेल्थ से जुड़ी आप लोगों के लिए, उनको एंजॉय कीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों मिलते एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।